देश भर के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कई जगह पर तो पेट्रोल डीजल 100 से पार हो चुका है, लेकिन इस बारे में जनप्रतिनिधियों मुख्यमंत्रियों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपका गठबंधन है केंद्र की मोदी सरकार के साथ, तो आप क्यों नहीं कहते कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए, इस पर नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद आम लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने अभी तक पेट्रोल डीजल पर बढ़े हुए दामों की समीक्षा ही नहीं की। यानी कि नीतीश कुमार ये साफ कहना चाह रहे हैं कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर मीडिया के सामने इन सवालों के जवाबों से बचते रहे। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप खुद ही सुनिए। हम तो तेल के दाम कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। आपने पहले भी चिंता जाहिर की इसको लेकर, अब तो 100 पार हो गया है। हाँ, वो सब तो ऐसा ये है कि कई बार आज बिहार सरकार की ओर से आपके समय में टैक्स कम किया गया है लोगों को मामूली राहत की, सही मामूली राहत देने के लिए, तो क्या अभी जो 100 के पार तेल का दाम हो गया है तो आप अपने स्तर से या केंद्र सरकार से भी अनुरोध या अन्य राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे एक सामूहिक प्रयास हो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि टैक्स में थोड़ा कमी करके जो भी संभव हो पब्लिक को इस महंगाई से राहत दिलाई जाए तेल के दाम। अभी हम लोगों ने उस पर कभी गौर नहीं किया, ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इस बार इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखें, ये अखबार में छपता है रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत पड़ रही है, ये तो देखते हैं। लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।